दमोह जिले की सभी तहसील पथरिया, बटियागढ़, हटा, परेरा, जबेरा व तेंदुखेड़ा सेंटर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। स्थानीय निजी होटल के सभागार में दमोह जिले की इंजीनियरों का इंजीनियर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 सम्मान समारोह भास्कर समूह द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जिले के 80 इंजीनियरों का चयन हुआ था, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों का भी सम्मान किया गया। इंजीनियर से सम्मान समारोह में जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग PIU, नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, सिविल इंजीनियर, कार्यपालन यंत्री, महाप्रबंधक सहित अनेक विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के कर कमलों से सभी इंजीनियर्स को शाल स्मृति चिन्ह सहित प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिले के रिटायर्ड इंजीनियर्स को भी अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें स्थानीय बजरिया वार्ड नंबर 7 नूरी नगर दमोह निवासी वरिष्ठ इंजीनियर हाजी निसार अली शाह, रिटायर्ड सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHE डिपार्टमेंट को इंजीनियर एक्सलेंस अवार्ड दमोह 2023 से सम्मानित किया गया। निसार अली शाह साहब ने अपने जीवन के अनमोल पल शासकीय सेवा में बड़ी तन्मयता लगनशीलता से बिताते हुए दमोह नगर के विकास में उल्लेखनीय कार्य किए, जो आज के युवा इंजीनियर्स के लिए एक मिसाल है। निसार अली साहब के सम्मानित होने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मुबारकबाद दी। हजील अलीम, ठेकेदार, वरिष्ठ पत्रकार आजम खान, नियाज कुरैशी, इम्तियाज चिश्ती, इदरीश ठेकेदार, अब्बास ठेकेदार, शाहिद मास्टर सहित अनेक लोगों ने मुबारकबाद पेश की। वहीं निसार अली साहब ने आयोजन समिति का आभार माना। उन्होंने कहा कि आज जो सम्मान मिला, ये मेरे विभाग के लिए किए गए कार्यों का प्रतिफल है, यह सच है। निसार अली शाह, जिन्होंने वर्ष 1984 से 2003 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड दमोह में उपयंत्री के पद पर रहकर सेवाएं दी, इस दौरान उन्होंने अपने हुनर का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए जिले भर में शासन की कई परियोजनाओं के लिए कार्य किए, जिनमें अनेक कार्य ऐसे हैं जो उन्होंने अपने शासकीय सेवा में रहते विकास के बेहतर कार्य किए हैं। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। मैंने अपने शासकीय सर्विस में जो भी काम किए हैं, उनकी जो सराहना आज भास्कर समूह द्वारा की गई और मुझे एजाज से नवाजा गया, इसके लिए मैं भास्कर समूह पेपर के धन्यवाद देता हूँ। सर, कैसा लगता है जब एक इतनी लंबी कार्यकाल के बाद और उसका सम्मान मिले? हौसला बढ़ता है आगे काम करने के लिए और हौसला अफजाई होती है। जरा आपका लंबा अनुभव रहा है, अगर नए युवा इंजीनियरों को जरूरत पड़ती है मार्गदर्शन की, तैयार है? हाँ, उनके लिए बिल्कुल जब भी जरूरत पड़ेगी हम उनके लिए मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहेंगे और जो भी सेवा बनेगी समाज की, देश की, उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये जो समाचार समूह द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, सेवानिवृत्त और सेवा कार्य में जो कार्य कर रहे हैं उन इंजीनियर्स के सम्मान की, ये अच्छी पहल है और इस पहल की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और इसमें विशेष बात ये रही कि शासन के पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय जयंत मलैया जी उपस्थित रहे और इन्होंने अपने कर कमलों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, इंजीनियर्स को और कार्यरत को सम्मानित किया। इसके लिए हम मुस्लिम समाज की ओर से आयोजकों का और माननीय मंत्री महोदय का इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। आपको मुबारकबाद देते हैं और इसके साथ साथ आपके लिए भी मुबारकबाद देते हैं और कम्युनिटी की, समाज की तरफ से भी मुबारकबाद देते हैं और उन समूहों को भी मुबारक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। पत्रकार समूह द्वारा हमारे हाजी निशान अली शाह SDO साहब का, जो भार्गव जी और सम्माननीय जयंत मलैया जी द्वारा सम्मानित किया गया है, हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सारे इंजीनियर्सों की जो भी उपलब्धियां हैं उसको भुलाया नहीं जा सकता है। मुस्लिम समाज द्वारा हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now to most exciting channel ever.